असलम दिस इज़ आर नेक्स्ट वीडियो इन विच वी डिस्कस इन अ वेरी इन इन विच वी डिस्कस अबाउट वाइटामूबल वाइटामिन एंड वोटर सेल्यूबल वाइटामिन इन अ क्विक वे अब इसमें मैं आपको निमोनिक्स मतलब मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए जिसमें हम फास्टली उनके नेम्स अदर नेम्स पढ़ सकते हैं टेस्ट कौन कौन से करवाए जाते हैं स्टेबिलिटी क्या है डिस्कवरी किसने की पाँच मिनट में हमारा ये वाइटामिन क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा वाइटामिन ए जिसका हम सेकेंड नेम वाइटामिन ए के सेकेंड नेम क्या है रेटिनॉल एक्स जिसे एक फेथोल भी कहते हैं रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड ये वाइटामिन ए के क्या है नेम्स है आर डी ए इसका क्या है सेवन हंड्रेड से थाउजेंड मिलूग्राम पर डे इसका आर डी ए है मेन के लिए और सिक्स हंड्रेड से एट हंड्रेड म्योग्राम पर डे आर डी ए है वोमेन के लिए टेस्ट अब हाँ इसमें कौन कौन से करवाते हैं रैपिड फील्ड टेस्ट करवाते हैं ठीक है सीरम लेवल चेक करवाते हैं वन पॉइंट वन से टू पॉइंट थ्री म्यू पर मोल तो आप कुछ अब नज़र आ रहा है ठीक तो है क्या हो गया ओके okay. uh -huh. ठीक है इसमें ये टेस्ट करवाए जाते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है हीट पे स्टेबल नहीं हो सकता डिस्कवरी क्या है कि 1959 फिफ्टी नाइन में एक सेकेंड नाइनटीन फिफ्टी नाइन में एम सी और डेविस ने क्या किया था इसको डिस्कवर किया था अब आ जाते हैं वाइटामिन डी की तरफ वाइटामिन डी के कॉलिकल्सी ठीक है कॉलिकल्सि ये यह नज़र आ रहा होगा एंटीरेक्टिक फैक्टर भी इसे कहते हैं कॉलिकल्सि फिरल भी कहते हैं सनशाइन वाइटामिन भी कहते हैं अब इसके आर की तरफ आ जाते हैं फाइव ग्राम ठीक है इसका आर है जिसमें टू हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट आते हैं फॉर इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए आइए ठीक है एडल्ट्स के लिए नाइनटीन टू फिफ्टी है ठीक है इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं इसमें हम आ, ट्वेंटी uh, फाइव डीहाइड्रोक्सिकोलिकलसीफिरल की क्या करते हैं उसके सीरम लेवल की कंसनट्रेशन चेक करते हैं ट्वेंटी फाइव म्यू वन थर्टी ट्वेंटी फाइव एंड वन थर्टी एन मॉल पर लीटर जो है इसका रेट सीरम लेवल का बता दिया गया है अच्छा अब अच्छा, 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 स्टेबिलिटी क्या है कि ये, ये स्टेबल होता है ठीक है वाइटामिन ए का हमने क्या पढ़ा था कि वो सेंसिटिव होता है वाइटामिन डी क्या होता है रेलिटिवली स्टेबल होता है और इसको हमने डिस, इसको डिस्कवर किया था सर एडवर्ड बाय ने 1918 में वाइटामिन ई की तरफ आ जाते हैं टोकोफिरोल्स इसका दूसरा नेम है फोर टू फिफ्टीन एम जी एल्फा टोकोफिरोल पर डे टोकोट्राइनोल पर डे फॉर मैन के लिए है थ्री टू ट्वेल्व एम जी एल्फा ट्राईइनोल पर डे वूमेन के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करवाया जाता है इसमें रेंजेस इसकी क्या है ट्वेल्व टू फोर्टी फाइव न्यू मॉल ठीक है जीरो पॉइंट फाइव एम जी पर हंड्रेड मिली लीटर ठीक है ये इसकी रेंजेस बताई गई हैं मोस्ट स्टेबल वाइटामिन होता है एवल्स एंड बायशॉप ने नाइनटीन ट्वेंटी टू में इसे डिस्कवर किया था ठीक है वाइटामिन की कि क्या है फाइलो कोइन और मीना कोयनन अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके नेम्स ठीक है इसमें क्या है कि यूएस फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन 2001 में इस्टेबलिश किया था इसके इंटरनेशनल यूनिट्स एडल्ट के लिए इसी पे बेस करते हैं ठीक है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो करवाई जाती है इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है जीरो पॉइंट टू टू से थ्री पॉइंट टू एन जी पर मोल पर लीटर ठीक है और बिलो जीरो पॉइंट फाइव जो है वो एसोसिएट करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के साथ मोडरेटली स्टेबल होता है ये क्या हो गया मोडरेटली स्टेबल होनरिक डैम ने इसे नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में क्या किया था डिस्कवर किया था ठीक है अब आ जाते हैं वाइटामिन बी वन जो कि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है इसे हम थायमिन कहते हैं थायमाइन कहते हैं एंटी बैरीबेरिक कहते हैं एनियोरिन कहते हैं एंटी न्यूरेटिक फैक्टर कहते हैं नव वाइटामिन भी कहते हैं फॉर एडल्ट में इसका आर्डियो क्या है जीरो पॉइंट फाइव एम जी पर थाउजेंड किलो कैलरीज वन पॉइंट जीरो से वन पॉइंट वन एम जी पर डे वुमेन के लिए है वन पॉइंट टू से वन पॉइंट फाइव एम जी फॉर वुमेन के लिए है चिल्ड्रन नीड्स आर लोअर जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फोर के दरमियान है पर डे ज़ीरो पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट जीरो एम जी पर डे चिल्ड्रन के लिए है ठीक है Uh, अब इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है अल्फा अल्फा टी के एरिथ्रोसाइट ट्रांस ई टी के ट्रांस ट्रांसकिटोलिस एक्टिविटी है होल ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या होती है सिक्सटी बिटवीन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव से टू हंड्रेड एंड मॉल पर लीटर होती है ये अनस्टेबल होता है इसे किसने किया था ओमेटेरो Omet, सुजुकी फादर ऑफ वाइटामिन जो हैं उन्होंने वाइटामिन बी वन को डिस्कवर किया था नाइनटीन टेन में जापान में वाइटामिन बी टू आ जाते हैं वाइटामिन बी टू राइबोफेवन कहते हैं वाइटामिन बी टू को राइबोफ्लेवाइन भी कहते हैं इलेक्ट्रोफ्लेवाइन भी कहते हैं ओवोफ्लेवाइन भी कहते हैं इसका आर्डिये क्या है वन पॉइंट टू से टू पॉइंट टू एम जी पर डेली डेली की बेस पर हम बता रहे हैं डायरेक्ट मेथड हम करवाते हैं डिटर्मिनेशन करवाते हैं फ्लेवन मोनो की फ्लेवन एडीनाइन नाइन की इन होल ब्लड में बाय एच हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के जरिए एफ ए जो है फ्लेवन एडीनाइन नाइन डा जो है वन सेवेंटी फाइव से फोर सेवेंटी फाइव एन मोल पर लीटर है ठीक है और अगर सताईस मिलोग्राम से मतलब क्रीस कर जाएगी तो क्या होगा इसकी डेफिशिएंसी होगी ठीक है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा बाय हीट लाइट के जरिए हीट या अगर लाइट इस पर पड़ेगी तो ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा ये स्टेबल नहीं है ये सेंसिटिव नहीं है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है तो विलियम हैंड विलियम हैंड सेबरल था जिसने 1901 में इसे लेके 1992 तक इसे डिस्कवर किया था और रोए एडवेंट बटर था जिसने 1902 से 1974 में इसे डिस्कवर किया था अब आ जाते हैं वाइटामिन बी थ्री की तरफ ठीक है इसे हम कहते हैं नायासिन इसका असल नाम है नायासन ठीक है इसे हम बी फोर भी कहते हैं आर डी क्या है एडल्ट में सिक्सटीन एम जी एन एस मैन में और वोमेन में फोर्टीन एम जी हमें चाहिए होता है ठीक है टेस्ट क्या है मेजरमेंट करवाते हैं एन ए डी की एन ए डी पी एच की कंसनट्रेशन चेक करते हैं रेशियो चेक करते हैं रेड ब्लड सेल में स्टेबिलिटी क्या है बहुत कंसेंट्रेशन एक सेकेंडर आ रहा है हाँ बहुत निकोटिन और निकोटिन अमाइड में और निकोटिन नेक एसिड में स्टेबल होता है जब ये प्लेस करते हैं ये एक्सपोज करते हैं लाइट और हीट के या फिर एयर के जरिए डिस्कवर किया था कैसेमेर फंक ने 1912 में पेंटाथोनिक एसिड अगला वाइटामिन है जिसे हम बी फाइव भी कहते हैं ठीक है एंटी डर्माटोसिस कहा जाता है ठीक है और चिक डर्माटाइटिस तार, तार, फैक्टर कहा जाता है ठीक है चिक प्लेग्रा फैक्टर कहा जाता है टू टू फोर्टीन एम जी के लिए इसका आर डी ए है अमाउंट्स हम इसकी चेक करते हैं यूरिन में लेस दैन वन एम जी होगी तो लो कंसिडर्ड होगा न्यू मेथड एच पी एल सी स्पेक्ट्रोमीट्री है इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं जीरो पॉइंट नाइन से वन पॉइंट फाइव म्यू मॉल पर लीटर इसका वो है ठीक है स्टेबिलिटी क्या है इसके ये स्टेबल होता है और रोगर ने जो रोगर जे विलियम्स ने इसे डिस्कवर किया था 1893 में 1893 से लेकर 1988 के दरम्या में पायोडोक्सें जिसे हम वाइटामिन बी सिक्स कहते हैं पाडोक्सल इसका नाम है पाएडोक्सामाइन इसका नाम है इसके टेस्ट क्या है हम पीएलपी करवाते हैं होल ब्लड में होल ब्लड कंसनट्रेशन चेक करवाते हैं थर्टी से वन टेन एन पर पी पी इसका यूनिट है आर डी ए क्या है इसका वेरीज विद एज और सेक्स के साथ वेरीज करता है प्रेगनेंट एंड लेकिन वुमेन में जीरो पॉइंट फाइव सेवन एम जी से लेके कर कंपनसेट किया जाता है इंक्रीज होती रहती है इसकी डिमांड स्टेबल स्टेबल होता है ये ठीक है जॉर्जी एंड उसके कॉलिग ने नाइनटीन थर्टी फोर में इसे डिस्कवर किया था सैम्यूल yes. सेम वेल well, एक सेकेंड लिपोवेस्क ने नाइनटीन जीरो वन से नाइनटीन एटी फोर के दरमियान में क्या किया था इसको डिस्कवर किया था अब आ गए हैं हम बायोटिन बी सेवन जिसे कहा जाता है ठीक है वाइटामिन एच भी कहा जाता है कोइनजाइम आर भी कहा जाता है आर डी ए थर्टी फाइव मिलोग्राम से सिक्सटी मिलोग्राम पर डे है डायरेक्ट डिफ डिटर्मिनेशन करते हैं प्लाज्मा से सीरम कॉन्सनट्रेशन निकालते हैं बायोटिन के रिलेटिवली स्टेबल होता है डीम बर्क ने जो है डीन बर्क डीन बर्क ने इसे डिस्कवर किया था फॉलिकसिड एसिड uh, फ्लो, फ्लोसिन कहते हैं बीसी कहते हैं एलेक्ट्रोबैसील कहते हैं कैसा फैक्टर कहते हैं फोर हंड्रेड म्यूग्राम ऑफ डी पी डी एफ ई जो है इसका यूनिट है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है प्लाज्मा इसमें हम क्या करते हैं लैक्ट्रोबेलस गजाई टेस्ट करवाते हैं ठीक है अनस्टेबल होता है लकी व नाइनटीन ट्वेंटी एट में इसे डिस्कवर किया था बी ट्वेल्व आ जाते हैं जिसे हम कोबालामिन कहते हैं आ, एंटी फिनिशियस एनीमिया फैक्टर कहते हैं कास्टल इंटेंसिक फैक्टर कहते हैं एनिमल प्रोटीन फैक्टर कहते हैं जीरो पॉइंट थ्री से 5.0 पॉइंट पर डे इसका आर डी ए है ड्यूरिंग टू टू पॉइंट टू पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है टू पॉइंट सिक्स म्यूग्राम हो जाता है इलेक्ट्रीशियन के दौरान प्लाज्मा टेस्ट करवाते हैं इसमें स्टेबल है ये भी और इसको किया था केवल फॉल नजर आ रहा है केरल फॉल्कर्स ने ठीक है वाइटामिन सी जो है ये भी वाटर सोलिबल वाइटामिन है एस्कॉबिक एसिड एंटी एस्कॉबिक वाइटामिन कहा जाता है एग्जाक्रॉनिक एसिड कहा जाता है नाइन्टी एम जी पर डे फॉर मैन के लिए सेवेंटी फाइव एम जी पर डे फॉर वोमेन के लिए प्रेगनेट प्रेगनेंट के लिए एटी फाइव एम जी पर डे है एक्टिटिंग वोमन के लिए वन ट्वेंटी एम जी पर डे है डिपस्ट्रिक टेस्ट करवाया जाता है नॉर्मल एज ट्वेंटी टू हंड्रेड मीटर होती है सेंसिटिव होता है जेंट जॉर्जाय ने 1937 में से डिस्कवर करवाया था ये है वाइटम इसमें इस मैंने आपको डिस्कवरी पढ़ाई है स्टेबिलिटी पढ़ाई है आर डी पढ़ाए हैं नेम्स पढ़ाए हैं और टेस्ट पढ़ाए हैं ठीक है इसी के साथ वाइटामिन वाटर सलेबल और फैट सल्यूबल कवर हो गया ठीक है अब बैलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाफ़